दोस्तों, आज नए साल की शुभकामनाएं मैं आप लोग को देती हूँ और मेरी ओर से आप लोग के लिए यही दुआ है कि ये साल आप लोग के लिए खुशियाँ लेकर आए। और इसी अवसर पर मैं एक बेहतरीन और इजी रेसिपी लेकर आई हूँ, वो कि केक की रेसिपी है। ये बड़े आसान तरीके से बनाएंगे, चलिए शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए सबसे पहला इस तरह का एक बाउल लेंगे। अब हम शुरू करते हैं केक बनाना। सबसे पहले हम डालेंगे 1/4 कप मिल्क, और इसी कप में 1/4 हमें ऑयल भी लेना है, इसे भी हम डाल देंगे। अब इसे हमें अच्छी तरह से फेंट लेना है। इसका स्ट्रक्चर जिस तरह क्रीमी क्रीमी हो जाएंगे तब तक हम इसे फेंटते रहेंगे। अब हम डालेंगे इसमें मैदा, एक छन्नी लगा लेंगे और उसमें 1 कप भरकर मैदा को हम डालेंगे। फिर इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर पहले डाल दे रहे हो, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, ये भी 1/2 टीस्पून। इस तरह हमें इसे छान लेना है। मैदा, बेकिंग सोडा ये सब छना चुका है। अब हम डालेंगे 1/2 कप शुगर को, इस तरह मैं ग्राइंड कर ली हूँ, इसे भी डाल लेंगे। अब ये हो चुके, अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जाएंगे ऑरेंज जूस, वो भी 1/2 कप। इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह से अब मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 3 ड्रॉप वेनिला एसेंस। इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें सारे जाएंगे ड्राई फ्रूट्स जो कि हम लिए हैं, कुछ पेठा, मुनक्का, गिरी, अखरोट, किशमिश, सारे काजू सारे हैं, इसे हम अब इसमें डाल देंगे। अब इसमें डालने के बाद हम इसे स्मूथली इसे फेंटेंगे। अब ये सारे मिक्स हो चुके हैं अच्छी तरह से। अब हम इसमें डालेंगे फ्रूटी फ्रूटी, ये 3 तरह के कलर हैं और हम इसे थोड़े थोड़े डालेंगे। इसे भी मिक्स कर लेंगे। केक के बैटर अब पूरी तरह से तैयार है। अब हम एक मोल्ड लेंगे इस तरह से, इसमें बटर पेपर डालकर इसमें कुछ ऑयल हम लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह ऑयल लगाकर हम इसमें आप ट्रांसफर करेंगे बैटर को। से स्प्रेड कर लें। अब इस तरह से हम रैप कर लें। इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स फिर से सजा देंगे इस तरह से, काजू, किशमिश। थोड़ा टूटी फ्रूटी भी डाल देंगे जिससे ये काफी सुंदर लगने लगेंगे। अब ये केक बनने के लिए ओवन की ओर चलते हैं।
पहले हम प्री हीट कर लेंगे 10 मिनट के लिए। प्री हीट हो चुके हैं, अब हम इसे 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। बीस मिनट हो चुके हैं, केक पूरी तरह से तैयार है। अब ये ठंडा भी हो चुके हैं, अब हम इसे प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। अब देखते हैं किस तरह से केक बने। अब इसे हम पलट देते हैं। मस्त बने हैं और बहुत ही सॉफ्ट है। देखिए आज की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और हमेशा की तरह आप लोग खुश रहें और फिर से एक बार नया साल की शुभकामनाएं।